हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दी वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि दुनिया में 7 वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड है एंड इसको देखने का मज़ा भी कुछ अलग है। उससे भी मज़ेदार है उसकी कहानी। दुनिया में ऐसे प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचना खूबसूरती से मनुष्य को आश्चर्यचकित करती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास बात है इनमें जो इन्हें दुनिया अजूबा मानती है। सो फर्स्ट इज ताजमहल, इंडिया के आगरा सिटी में है। ये यमुना नदी के किनारे पर है। इसे शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, 1632 में बनाया। ताजमहल का निर्माण 1643 में ही ख़त्म हो गया था, पर उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए 10 सालों तक काम किया गया। शाहजहां ने नदी के दूसरे किनारे पर काले पत्थरों से एक और ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी, पर अपने बेटे औरंगजेब से युद्ध होने के कारण ये योजना कभी पूरी नहीं हुई। इसकी यह खासियत है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सुबह के समय वह हल्का सा गुलाबी, शाम में दुहेरी सफ़ेद और रात में हल्का सा सुनहरा दिखाई देता है। लोगों का रंगों के बदलने से मीनिंग है, लेडीज के मूड बदलने से है। सेकेंड वन इज़ दी क्राइस्ट डी रिडीमर। क्राइस्ट डी रिडीमर ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में पहाड़ी पर, ये जीजस क्राइस्ट का स्टैचू है जो फैंस कल्चर पॉल लॉस्किडो ने तैयार किया है और ब्राज़ीलियन इंजीनियर हिटोल दी टॉस्कर ने तैयार किया है। 130 मीटर ऊंचा ये स्टैचू इस मसीह की वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन 1922 में शुरू हुआ था, जो 12 अक्टूबर 1931 को पूरा हुआ। ये मूर्ति क्रॉकरेट और पत्थर से बनी है। थर्ड वन इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन में है। ये दीवार पत्थर, ईंट भरी हुई जमीन और लकड़ी से बनाई गई है। इस वॉल को बनाने का मुख्य कारण चीनी राज्यों को यूरेशियाई और मंगोलियन समूह से बचाना था। इसमें बहुत सारी दीवार 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इस दीवार का काम आज से 2300 साल पहले शुरू हुआ था, जिसकी लंबाई 8850 किमी है, 35 फीट ऊंची, जिसमें 10-15 लोग आराम से चल सकते हैं। कहते हैं कि दुनिया में यह ऐसी मानवकृति है जो चांद से कभी भी देखी जा सकती है। इट मीन्स अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक दो बार भी जाएंगे तब भी ये दीवार पूरी नहीं होगी। ये दीवार इतनी मजबूत है कि जो आज भी चीन की रक्षा में वैसे की वैसी ही खड़ी है। फोर्थ वन इज पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन सिटी में है। पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यहाँ के पत्थर का कलर रोज के कलर से मैच करता है। यह तरह तरह की इमारतें हैं जो लाल पत्थर से बनी है। इसमें 138 फुट ऊंचा मंदिर, नहरे पानी के तालाब तथा खुला स्टेडियम है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का निर्माण 1200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। आज के युग में यह जॉर्डन के सबसे आकर्षण दर्शनीय पर्यटन स्थल में से एक है। पेट्रा एक होर नामक पहाड़ पर स्थित है और पहाड़ों से घिरी हुई द्रोणी में स्थित है। पेट्रा जॉर्डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज वह जॉर्डन के लिए एक कमाई का जरिया है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। अनादर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज कोलोसियम। द कोलोसियम फ्लाइवियन एल्फिटियर के नाम से भी जाना जाता है। द कोलोसियम रोम सिटी जो इटली में है, उसके काफ़ी सेंटर्स भी है। ये विश्व के 7वें अजूबे में गिना जाता है। इसका निर्माण लगभग 17वीं सदी के सम्राट वेस्पेसियन ने करवाया था। यह सबसे बड़ा स्टेडियम है जो ठोस मिट्टी से बना हुआ है। इस स्टेडियम में कम 65,000 ऑडियंस जा सकती है। ये स्टेडियम ओवल शेप का बना हुआ है। अनादर वन इज माचू पिच्चू। माचू पिच्चू ये दक्षिण अमेरिका के पेरू में एंडीज पर्वतों के बीच बसा है। बहुत सारे पुरातत्वी मानते हैं कि इसे पचुक्विटी सम्राट ने 1438 टू 1472 में इसका निर्माण हुआ था। यह समंदर तल के 7900 फीट की लेवल पर है। माचू पिच्चू को इनकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। इनकाओं ने सन 1430 के आसपास इस सिटी का निर्माण शुरू किया था। सेवेंथ वन इज चिचेन इट्टेजा। चिचेन इट्टेजा ये युक्टान स्टेट मैक्सिको में और मैक्सिको में बसी यह चिचेन नाम की यह इमारत दुनिया में मैक्सिको की माया सभ्यता की गौरवपूर्ण काल की कहानी को बयान करती है। ये माया सभ्यता द्वारा बसाया गया शहर था और इसे माया सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। चिचेन इट्जा में शहर के बीच बीच में
कुकुलबुन भगवान का मंदिर है। ये मंदिर 79 फीट ऊंचाई तक बना हुआ है। इस मंदिर की चारों साइड में 91 सीढ़ियाँ है और प्रत्येक सीढ़ी साल के एक दिन की प्रतीक है और 365वां दिन ऊपर मंदिर में जाने को माना जाता है। ये तो थे दुनिया के 7 अजूबों में, बट आपने कभी सोचा था कि दुनिया में के 8वें अजूबे कैसे होंगे? तो आइए जानते हैं इस बारे में। सिंगिंग रिंगिंग ट्री। लंकाशायर इंग्लैंड में सिंगिंग रिंगिंग ट्री है जो स्टील के पाइप से बनी हुई है। इसका खास बात यह है कि जब भी हवा आती है वो इस पाइप से टकराती है एंड इसमें म्यूजिक बिटा है। जैसे हवा चेंज होती है वैसे म्यूजिक भी चेंज होता जाता है। सच में ये एक अजूबा है। 9th one इज ग्लास ब्रिज। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो ये ब्रिज आपके लिए नहीं है। चीन में बना ये शीशे का ब्रिज सबसे हाईएस्ट एंड डेंजरस लगता है। ये ब्रिज जांग जिया जी की घाटी में 380 मीटर के डिस्टेंस को ऐड करता है। इस ब्रिज से गुजरने पर 300 मीटर नीचे घाटी का दृश्य साफ नज़र आता है। इस पुल का डिज़ाइन तैयार करने वाले तेल अविव आर्किटेक्ट हेयम डॉटन कहते हैं, जांग जिया जी का ग्लास ब्रिज इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये बादलों में छिप जाता है। ग्लास बॉटम से बना पुल टेस्ट करने के लिए 20 लोगों ने हनड़ों से वार किया, 200 टन का ट्रक चलाया। ये ब्रिज देखने में कमज़ोर लगता है लेकिन यह तूफान भूकंप से झटके बर्फबारी के साथ एक बार में 800 पर्यटकों का वेट सह सकता है। इस ब्रिज में 3 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े, 15 मिलीमीटर लंबाई वाले ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का टुकड़े लगाए गए हैं। 10th one इज प्लेटफॉर्म। चीन में बीजिंग के पास एक पहाड़ी के किनारे पे लटकता हुआ कांच का प्लेटफॉर्म है जो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया गया है कि लोग झिंगजोंग जंगल में खूबसूरती को देख सके। जमीन के करीब 1300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का प्लेटफॉर्म है जो किनारे के करीब 160 फीट तक बाहर निकला हुआ है। साथ ही ये 4,467 स्क्वायर फीट की एरिया में फैला हुआ है। इसे सेफ रखने के लिए पहली बार टियाटिनियम का यूज किया गया है। ये बात बहुत हल्का है, अन्य धातु से अपेक्षा में टिकाऊ होता है। एंड द लास्ट वन इज कुबेर पेडी। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक ऐसा गांव है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रहेगा। जमीन से 100 फीट नीचे है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको मिट्टी के ढेर ही मिलेंगे, बट मिट्टी के ढेरों के नीचे ऐसी सुरंग है जो इस गांव तक ले जाएंगे। बाहर से रेतीले और मिट्टी से बने कुबेर पेडी असल में इस जमीन के अंदर 300,500 लोग रहते हैं। यह आपकी होटल्स स्विमिंग से भी नीचे यह है। यह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यह बहुत ज़्यादा तापमान है बट ये अंडरग्राउंड होने की वजह से यह समर में ना कूलर की ज़रूरत है और ना ही विंटर में कोई हीटर की ज़रूरत है। तो गाइस, ये थे दुनिया के सबसे अनोखे अजूबे जो कोई नहीं सोच सकता और ना ही हम जिसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। If you like our video, don't forget to click it and share it via Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media platform or site. Also to subscribe us to receive our new videos regularly. Don't forget to click bell icon to receive updates. We will keep posting 3 to 4 videos once a week regularly.